हेलो एवरीवन, मैं रचना राजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। बहुत में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने, बट स्टिल मेरे नोन में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने बोला कि आप और भी वीडियोस डालो। तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा व्लॉग बना के डालती हूँ। मुझे जनरली जब हम कुछ सामान लेने जाते घर के जनरल स्टोर्स और किचन का जो भी सामान है, हम कहाँ से लेते हैं, वो हमारे घर से कितना पास है, तो मैंने सोचा मैं उसका एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं। तो आप मे बी कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, मे बी कुछ लोग सिर्फ इंजॉय करेंगे। सो जस्ट फॉर इंजॉयमेंट मैंने एक एंटरटेन के लिए मैंने एक वीडियो बनाने की सोची। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको भी अपलोड करती हूँ। छोटा सा वीडियो है, आप इंजॉय करो। थैंक यू। और यहाँ सैम को अपने स्टाइल में वेलकम करना। यू वेलकम गाइस, वेलकम टू माय मम्मा चैनल रचना राजीव। सो वीडियोस को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड वन मोर थिंग, बेल नोटिफिकेशन। प्लीज क्लिक ऑन बेल नोटिफिकेशन ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको आ जाए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, ओके, थैंक यू सैम। सो आप वीडियोस को एंजॉय करो। सैम खेलते खेलते इतना मशगूल हो जाता है कि उसे पता नहीं होता वो सोफे में बैठा है या नीचे। रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो। ओह हे, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय मॉम चैनल। सो आप बताओ। सो हम फाइनली निकल रहे हैं, ये लो सैम, क्योंकि बहुत से लोगों को जानना था कि हम लोग सामान कहाँ से लेते हैं। Oh my God, ऐसा था क्या? हाँ। That's great. Let's go. Let's go. कहाँ निकल रही है? So अभी हम चल रहे टेस्को पे। सैम ने मुझे कैमरा पकड़ने ही नहीं दिया पूरे टाइम, उसको था मम्मा मैं बनाऊंगा। So ये देखो क्या चल रहा है। वीडियोस देखना। देखो आप लोग, बस ऊपर का व्यू देखो, स्काई देखो। सो यहाँ सैम जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम व्लॉग्स शूट कर रहे हैं प्रॉपर। सी द व्यू, बस प्यार हो गया। और सब सब वीडियो तो मैं बना, तू कंटेंट मम्मा पे जाता, सब कुछ मैं ही बोलता हूँ। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, सैम और मम्मा मिलके व्लॉग बनाएंगे, डोंट वरी। So you are excited? आपको अपना चैनल बनाना है? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? ओके। मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ कि गेम के वीडियोस बनाऊँ। गेम के वीडियोस बनाओगे? ओके, नो प्रॉब्लम, आप वो भी कर सकते हो। तो गाइस आप मम्मा आपको ये सब दिखाइए कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। सी द ब्यूटी, ऐसे गार्डन बना हुआ है रास्ते में भी, मतलब एक एक अलग सा ही मजा, अलग सा ही व्यू आता है। और सैम यहाँ आनंद लेते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा। ऐसे नहीं करते बाबू। सो हम यहाँ पहुँच गए हैं टेस्को, यहाँ पे मिल जाती है हमारी ज़रूरत की चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। सैम वेट, सैम मुझे कैमरा लेने ही नहीं दे रहा था, वो अपने आप से ही सारी वीडियोस शूट कर रहा था कि मम्मा मैं बनाऊंगा, आप बस शॉपिंग करो,
मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा, मैं अच्छे से बनाऊंगा। सो मैंने रहने दिया, उसने इतने प्यार से बनाया, उसने बहुत ज़्यादा कैमरा को इधर उधर किया, लेकिन मैंने रहने दिया कि चलो कोई बात नहीं। इतने खुश हो के, वो बहुत खुश था आज। और यहाँ के स्टाफ, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे, इतने हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे ही नहीं, आप कहीं पे भी जाओगे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। मतलब रेगुलर जो स्टाफ है, मैं रेगुलर जाती हूँ तो वो अक्सर हाय हेलो कैसे हो वो सारी चीज़ें पूछते हैं, तो वही मेरे से बात कर रही थी, तो सैम एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने इसकी आवाज़ को स्किप कर दिया बिकॉज वो अपनी चीज़ें भी ऐड कर रहा था। नहीं नहीं और हमें क्या लेना था? और ये शैतान बच्चा क्या बोला? शैतान मुझे प्रॉपर वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा। और गाइस यार हम तो गाइस ये मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है बहुत। गाइस लेट्स गो। हमें कहाँ जाना था फिर? तो भाई ये लास्ट बार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। ये हनी नहीं चाहिए हमें। आपके लिए चैलेंज है, इस गाड़ी का नाम बताना। बहुत हाथ चैलेंज नहीं दे दिया। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना सैम ने कौन से कार का नाम पूछा है। सैम टेस्को आए और इस काउंटर के पास ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ और वो अपने काउंटर्स पे घूमता है कि मम्मा ये देख लूँ क्या, वो देख लूँ क्या, उसका मन ही नहीं भरता बिल्कुल भी। चेकआउट कर रही हूँ। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हरी में हो और लंबी लाइन है तो आप यहाँ पे सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड, बहुत ईजी होता है। Would you like a hand with your parking? Sorry? Would you like help with your parking? No. No. It's when I say hand as in help. और यहाँ कैश काउंटर पे जो बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हेल्प चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बट ज़रूरत नहीं थी, उनको लगा शायद मुझे प्रॉब्लम होगी अकेले हूँ, तो दैट्स वाई उन्होंने मुझसे पूछा।
और यहाँ सैम ने एक कोक की बॉटल भी डाल दी थी चुपके से, मुझे नहीं पता था। घर में ऑलरेडी बहुत बड़ा सा बॉटल पड़ा हुआ था। पापा ने छुपा के रखी है, छुपा के रखा है पापा ने। पापा झूठ बोल रहे हो, पापा ने चीटिंग करते हो मेरे साथ आप। तो गाइस मेरे साथ यहाँ पे चीटिंग हो गई है पूरी तरीके से मम्मा की वजह से। सो हमारी शॉपिंग, और यहाँ पे सैम नाराज बैठा है कोक की घर में। कम मम्मा देगी आपको, झूठ नहीं बोल रही। मैं जा रही हूँ, सी द व्यू। ये चर्च है, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक चर्च है, और एक चर्च यहाँ पे रास्ते में पड़ता है। और सैम यहाँ नाराज हो गया था मुझसे, मैंने कोक की बोतल वापस कर दी थी। शॉप में जब भी जाता है बस तंग करना शुरू। मम्मा को आप सोच लोगे इतना अच्छा व्यू कैसे आ रहा है, क्योंकि अपने सन ने हमें पूरा अपनी पावर दिखाई है और इतना मस्त व्यू आ रहा है, लेकिन ठंडी फिर भी लग रही है। स्कॉटलैंड पूरी वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट था सैम की कमेंट्री। सीरियसली वो मतलब फुल ब्लॉगर बन गया था आज। सो हम वापस आ गए हैं अपने शॉपिंग करके, तो थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ नया ब्लॉग फिर से लेकर आऊँ, जितनी जल्दी ला सकती हूँ मैं उतनी जल्दी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।